एपिसोड का स्टार्टिंग होता है मसामोने के स्कूल में समर वेकेशन का टाइम आ चुका था। सब लोग इसीलिए बहुत हैप्पी होता है क्योंकि उनको एक रिलीफ मिल चुका था। खैर इसके बाद कोजुरो कहती है मसामोने तुम्हारा प्लान क्या है, तुम इस वेकेशन में क्या करने वाले हो। और इसके बाद मसामोने कुछ कहने वाला होता है और इसी बीच इधर आ जाती है अदकाकी। अदकाकी रूम में एंटर करके मसामोने के पास आ जाती है और उसके बाद वो एक पेपर को निकाल के कहती है तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ मेरे डेस्क में ये सब रखने का, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और इसके साथ ही जो तुम्हारी बात है उसको मैं सुनने वाली नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास अपने कुछ प्लान है। वेकेशन आ चुका है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ये टाइम ऐसे काम करके वेस्ट नहीं करने वाली। इनको एक 40 डेज का वीकेंड मिलने वाला था और इसको मैं ऐसे जाया नहीं करने वाली। मैं अपने प्राइवेट आइसलैंड में जाऊंगी और उसके बाद मैं बहुत मजे करूंगी। और इसलिए कोचोरो तुम भी मेरे साथ आ सकती हो, यानी मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ। कोचोरो बात को सुनकर बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाती है, जहाँ पर मसामोने इसको देखकर बहुत गुस्सा होता है। अपने मन में कहता है अदकाकी इसलिए ये सब कर रही है क्योंकि मसामोने और कोचोरो बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो मसामोने को जेलस करना चाहती है। वेल इसकी बात कोचोरो कह रही होती है मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं और मसामोने बहुत अच्छे दोस्त हैं और अगर वो नहीं चाहेगा तो उसकी बात मैं भी नहीं जा सकती, मुझे इससे अच्छा नहीं लगने वाला। और उसकी बात इधर आ जाती फूची और वो कहती है मैं भी मसामोने के साथ ही हूँ, अगर मसामोने उधर जाने वाला है तो मैं भी उसके साथ ही जाने वाली हूँ। और उसकी बात फुताबा इसको देख लेती है और वो कहती है ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग एक दूसरे के साथ है। जहाँ पर इसको देखकर मसामोने भी बहुत हैप्पी हो चुका था। मसामोने कहता है अदकाकी तुम देख सकती हो सब लोग मेरे साथ है, तो इसकी बात अगर तुम मुझे नहीं लेके जाओगी तो ये लोग भी नहीं जाने वाले। क्या तुम अपने वेकेशन में अकेले खेलना चाहती हो, एक बार बात को सोच लो। और उसके बाद ही अदकाकी सोचने लग गई थी जहाँ पर उसको कोई ऑप्शन नहीं मिलता। अदकाकी कहती है तुम भी आ सकती हो और मसामोने जाने के लिए रेडी हो चुका था और इसके कारण मसामोने बहुत हैप्पी होता है। इसके बाद टाइम आ जाता है उसी दिन में जहाँ पर वो लोग एक साथ ही सिप में होते हैं, वो लोग एक साथ उस आइसलैंड में जा रहे होते हैं और मसामोने अपना प्लान रेडी कर रहा था। कहता है उसके पास फिर से एक बहुत अच्छा टाइम आ चुका है जहाँ पर वो अदकाकी को इम्प्रेस कर सकता है। ये एक समर वेकेशन है यानी उसको अपने प्लान के लिए बहुत टाइम भी मिलने वाला है। और उसके बाद इधर आ गई थी योशिनो और उसके बाद योशिनो कहने लग जाती है मैंने फूजी के बारे में खोज किया लेकिन इसके बाद भी मुझे उसके बारे में कुछ भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं मिला, साथ ही मैं ये भी नहीं जान पाई वो तुम्हें क्यों चाहती है। लेकिन एक बात मसामोने तुम सुन लो, वो बहुत डेंजरस है और वो तुम्हारे पीछे है तो इसलिए थोड़ा सावधान रहना। मसामोने कहता है हाँ वो इसको संभाल लेगा और इसके बाद वो अपने प्लान के बारे में सोच रहा था। खैर इसके बाद योशिनो कहती है ऐसे मसामोने तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा चांस है और इसको तुम गवा नहीं सकते, और अगर तुमने इसको गवा दिया तो उसके बाद मैं भी अदकाकी को सब कुछ कहने वाली हूँ जो कि तुम पहले से अभी तक प्लान कर रहे हो, यानी तुम्हारे रिवेंज के बारे में। मसामोने कहता है ऐसा क्यों, योशिनो कहती है ऐसा हमेशा नहीं चलने वाला, अगर तुम प्लान में आगे जाओगे तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर तुम ऐसे रहोगे तो मैं इस बात को कहने वाली हूँ। उसके बाद वो इधर से चली जाती है जहाँ पर मसामोने के पास डू और डाई वाला ऑप्शन आ चुका था। तीन आता है अदकाकी के प्राइवेट आइसलैंड में जहाँ पर इधर एक लड़की पहले से होती है, उनके पास एक विला होता है और इसके अंदर वो लेडी रहती है, इसका नेम है युसाकी। युसाकी उनके फैमिली का एक सेक्रेटरी थी। कल वो किसी के साथ बात करी होती है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी, वो कह रही होती है केंची मेरी बात को सुनो, लेकिन फोन में जो बंदा होता है वो बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था और उसके बाद वो फोन को कट कर देता है। इसको देखकर युसाकी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसके बाद वो अपने बारे में कह रही थी। खैर इसके बाद इधर मीट आ जाती है और उसके बाद वो कहती है काकी और उनके फ्रेंड आने वाले और इसलिए आपको रेडी होना होगा, और उसके बाद युसाकी रेडी हो जाती है, कहती है अगर वो इधर आने वाले है तो बहुत अच्छा है, मैं उसको देख कर चिल कर सकती हूँ। लेकिन आता है बाहर का मसामोने, अदकाकी और बागी सब इधर आ चुके थे। वो लोग इधर आकर विला को देखते हैं जो कि बहुत बड़ा होता है और उसको देखकर सब लोग सरप्राइज थे। मसामोने कहता है उसने जितना एक्सपेक्ट किया था ये उससे बहुत बड़ा है, लेकिन जो भी हो मुझे अपने प्लान में काम करना होगा। और उसके बाद वो देखता है अदकाकी को जहाँ पर वो अपने बातों में बिजी होती है। इसको देखकर मसामोने अपसेट साथ ही डर गया था क्योंकि उसको ये करना ही था, उसके लिए ये डू और डाई था। खैर इसके बाद युसाकी डोर को ओपन करती है और उसके बाद सब लोग देखते हैं इसके अंदर एक लेडी थी जो कि बहुत अच्छी दिखती है, यानी ये लेडी एक एक्ट्रेस की तरह थी। खैर इसके बाद युसाकी बाहर आती है और उसके बाद वो कहती है अदकाकी तुमको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, साथ ही मैंने सुना था तुमने बहुत सारे फ्रेंड भी बना लिया जो कि बहुत अच्छा बात है। और उसके बाद युसाकी सारे फ्रेंड को देखने लग जाती है, देखती है इधर सब लोग लड़की होते हैं लेकिन उसके बीच एक लड़का था, यानी इधर मसामोने होता है और उसको देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। चोरो कहती है वो भी एक लड़का है लेकिन उसके जो लुक्स होता है इसको देखकर कोई इसको शक नहीं करता। इसके बाद युसाकी आ जाती है अदकाकी के पास और वो कहती है वैसे ये लड़का इधर क्या कर रहा है, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं तुम तो लड़के के पास नहीं जाते हो, यानी तुम लड़कों को हेट करती हो, तो इधर ये क्या कर रहा है। अदकाकी के पास इसका कोई आंसर नहीं होता क्योंकि मसामोने ट्रिक करके इधर आया था। अदकाकी सोच रही होती है वो क्या कहने वाले है, जहाँ पर मसामोने सोचता है यही उसके पास एक मौका है कि वैसे भी बात बिगड़ते जा रहा है और इसकी कहानी वो सोचता है वो अपना काम कर सकता है
और उसके बाद वो कहता है कि मैं इधर आया हूँ क्योंकि मैं और अतका की डेटिंग में है। इस बात को सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उसके बाद युसागी कहती है अतका की क्या ये बात सच है। अतका की का बोलती बंद हो चुका था और उसके बाद युसागी कह रही होती है वैसे लड़का बहुत हैंडसम है, जो भी हो तुम लोग अंदर जा सकते हो। और उसके बाद अतका की मसामुने के पास आती है और वो मसामुने को पकड़ के इधर से ले जाती है। हमें दिखाया जाता है युसागी को जहाँ पर वो इससे बहुत ज्यादा गुस्सा थी लेकिन वो अपने गुस्से को बाहर नहीं दिखाती। खैर इसके बाद सामुने और अतका की आँच आते एक अलग से जगह में जहाँ पर वो दोनों अकेली थे। सामुने अतका की को देखता है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा शर्मा गई थी और इसको देखकर वो कहता है मेरा प्लान काम आ रहा है, ये बहुत ज्यादा रिस्की था। काकी एक ऐसी लड़की है जो कि दूसरे बंदों को निकनेम देती है जो कि बहुत बुरा होता है, सबको रिजेक्ट करती है लेकिन इसके बाद लेकिन आज वो शर्मा रही है। ये प्लान काम आने वाला है लेकिन इसमें बहुत सारे रिस्क था। सामुने बहुत हैप्पी होता है लेकिन अतका की नहीं, वो मसामुने के ऊपर बहुत गुस्सा थी। वो कहती है तुम इस आइसलैंड में हो और इसके ऊपर भी एक कारण है लेकिन जो भी हो तुम मुझे दूर रहना ठीक है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग आ गए थे इंजॉय करने के लिए बीच में। मसामुने बीच में आके बहुत हैप्पी था और उसके बाद वो अपना बॉडी दिखा देता है लेकिन इसको देखने के लिए इधर कोई भी नहीं होता। इधर कुचरू आ जाती है, वो कहती है उसके पास भी है। इसको देखकर मसामुने रोने लग गया था क्योंकि इन सब में बहुत मेहनत होता है, अगर इसको कोई भी देखने वाला नहीं है तो या इस पेन को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। खैर इसके बाद सामुने और कोचरू एक साथ ही बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच इधर आ गई थी फूची। फूची मसामुने को पकड़ लेती है और इसके बाद वो कहती है मसामुने और मैं एक साथ ही है, हम लोग बहुत मजे करने वाले। वो एक साथ ही ये सब कह रही होती है जहाँ पर मसामुने बहुत डर गया था। वो सोचता है मसामुने और फूची ऐसे रहेंगे तो इसके बाद जो उसका प्लान है वो इधर खत्म हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो इसके बाद योशिनो अपना काम कर देगी यानी उसका रिवेंज खत्म हो जाएगा। चोरने की हालत में नहीं होती है, वो बहुत ज्यादा हैप्पी थी और इसको देखकर मसामुने डर गया था। वो बहुत ट्राई कर रहा होता है, वो पीछे देखता है काकी अब तक नहीं आई थी, वो बहुत डर गया था। वो सोच रहा होता है अतका की कब इधर आ सकती है और इसी बीच इधर अतका की आ गई थी। अतका की उन दोनों के बीच में आ जाती है और उसके बाद वो कहती है पूछी तुम इस बात को जानती हो मैं और मसामुने एक साथ ही डेटिंग में है तो इसके बाद तुम ऐसा नहीं कर सकती। सामुने इसको देखकर बच जाता है और इसके बाद वो सोचता है अच्छा हुआ वही बीच में आ गई, कम से कम वो गुस्सा तो नहीं है। वेल इसके बाद अतका की और फूची एक साथ ही बातें करते हैं जहाँ पर अतका की कह देती है मसामुने मेरे साथ ही खेलेगा क्योंकि हम दोनों एक साथ है। फूची इसके लिए मान जाती है और इसके बाद अतका की मसामुने को लेके आ जाती है एक अकेले से जगह में। मसामुने सोचता है ये उसके लिए बहुत अच्छा बात है, वो दोनों अकेले से जगह में जाने वाले और उसके बाद वो अतका की को अपने प्यार में ला सकता है। यहाँ पर दूर से ये सब युसागी भी देख रही होती है और उसको गुस्सा आ रहा था। खैर इसके बाद मसामुने और काकी आ जाते हैं एक अकेली सी जगह में और उसके बाद अतका की एक रॉक में बैठ जाती है और वो अपना काम कहने लग जाती है। वो मसामुने को काम करने के लिए दे देती है, इसको देखकर मसामुने बहुत गुस्सा था और उसके बाद वो अपने मन में कहता है क्या यही सब करने के लिए तुम मुझे इधर लाई थी। अतका की कहती है उसको बहुत भूख लगा है और उसके कारण उसको खाना चाहिए। मसामुने तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो तो इसलिए तुम मेरे लिए ये काम कर सकती हो। मसामुने बहुत गुस्सा होता है लेकिन उसको ये काम करना था तो इसलिए वो चला जाता है और वो आ गया था उनके स्टोरेज में फिर उनके किचन में जहाँ पर युसागी पहले से इधर होती है। युसागी अतकाकी के लिए खाना दे देती है जहाँ पर मसामुने कहता है मुझे माफ कर देना ये एक अतकाकी का हैबिट है जहाँ पर जब भी उसको भूख लगता है तब उसको बहुत सारा खाना चाहिए। युसागी कहती है कोई बात नहीं है और उसके बाद मसामुने कहता है वैसे मेरे पास एक बात था। युसागी कहती है हाँ तुम कह सकते हो। मसामुने कहता है क्या इधर कोई ऐसा प्लेस है जो कि बहुत अच्छा है या फिर उसमें बहुत इंजॉय किया जा सकता है। युसागी कहती है हाँ इधर एक ऐसा प्लेस तो है जहाँ पर बहुत अच्छा म्यूजिक साथ ही तुम बहुत इंजॉय कर सकते हो। मसामुने कहता है ऐसा नहीं, मतलब एक ऐसा प्लेस जो कि थोड़ा अलग हो जहाँ पर तुम रियल मजा कर सकते हो। युसागी बात को जान गई थी और उसके बाद वो कहती है हाँ इसके बारे में मैं जानती हूँ, क्या तुम उधर जाना चाहते हो। और उसके बाद मसामुने कहता है हाँ और वो कहती है तो ठीक है रात को उधर चले जाना मैं तुम्हें एंट्रेंस दे दूंगी। मसामुने कहता है आपका बहुत ज्यादा थैंक यू और उसके बाद वो चला जाता है। युसागी उसके जाने के बाद कहती है तुम एक लड़की हो और उसके बाद तुम इधर आ गए लेकिन जब भी तुम इधर से जाओगे तुम्हें एक हल्का फील मिलने वाला है यानी तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। और उसके बाद युसागी हंसने लग गई थी जहाँ पर इसको देखकर जो बाकी सारे मेड होता है वो लोग बहुत डर चुके थे। उसके बाद युसागी अपना बैक स्टोरी कहने लग जाती है वो क्यों काकी को इतना पसंद करती है और दूसरे बंदे के साथ वो नहीं देखना चाहती। कहती है बहुत टाइम पहले की बात है जब मैं इधर आई थी मुझे एक काम मिला था यानी मैं अतकाकी का एक सेक्रेटरी होने वाली थी। उसी दिन में मुझे एक लड़के ने दम किया था और उसके कारण में बहुत गुस्सा थी, साथ ही मुझे अपने जॉब पे भी जाना था तो इसलिए मुझे अपने आप को कंट्रोल करना था। इसी बीच मैंने एक लड़की का साउंड सुना था और वो थी अतकाकी, वो अपने जगह में रो रही थी। अतकाकी को देखकर मैं बहुत इम्प्रेस थी क्योंकि वो हमेशा से बहुत अच्छी दिखती है तो इसके बाद मैंने उससे पूछा था क्या हुआ है।
उसने आंसर दिया था वो इधर से जा चुका है और उसकी कहानी वो बहुत अपसेट थी। मैं जान गई थी ये कोई लड़का होगा जिसने अदकाकी को दम किया है। की बात वो बदल गई जहाँ पर इसके बाद वो जब भी किसी लड़के से मिलती है तब वो उसे एक निकनेम दे देती है। कोई भी उसे डेटिंग के लिए या फिर लव के लिए पूछता है तो इसके बाद वो इसे ना ही कहती है। वो रिजेक्ट भी कुछ इस तरह से करती है कि जो दूसरा वाला बंदा हो उसको बहुत बेइज्जत किया जाए और इसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट अब से मैं अदकाकी के साथ हूँ और मैं किसी भी लड़के को उसके साथ नहीं देख सकती। सीन आता है रात का, वो लोग आ जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे यानी मसामुने के साथ उसके सब दोस्त थे। खैर इसके बाद वो लोग देखते हैं उनके आगे एक हॉन्टेड हाउस होता है यानी ये बहुत पुराना था। मसामुने आगे जाता है जहाँ पर वो भी इसे देखकर डर गया था लेकिन इसके बाद भी उसको अपने प्लान में काम करना होगा तो इसलिए वो कहता है उसके हाथ में पेपर है ये सबको दिया जाएगा जहाँ पर इसमें नंबर है और उसके अनुसार इस होम में सब लोग एंटर करेंगे। बहुत एक्साइटिंग गेम होने वाला है जहाँ पर इसको खेलने के लिए सब लोग बहुत डर गई थी ताबा को छोड़कर। खैर इसके बाद उनको अपना अपना नंबर दे दिया जाता है जहाँ पर पहले थी योशिनो और इसके बाद सब लोग एक एक करके होता है जहाँ पर योशिनो इसके लिए बहुत डर गई थी। मसामुने का प्लान सिंपल था, एक एक करके सब लोग अंदर जाने वाले हैं। मेरे आगे अदकाकी इस रूम में यानी इस घर में एंटर करने वाली है और इसके बाद मैं जानता हूँ वो बहुत डरने वाली है क्योंकि उधर एक सरप्राइज है। उसके बाद मैं उसके पीछे आ जाऊंगा और उसे बचा लूंगा और इसकी कहानी अदकाकी बहुत इम्प्रेस होगी। अदकाकी को उठा के लेके आ जाऊंगा और इसके बाद वो मुझे बहुत सारे चाहने लग जाएगी। प्लान बहुत काम आने वाला है और इससे ही मसामुने बहुत हैप्पी था। इसके बाद एक एक करके सब लोग अंदर जाने लग गए थे जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इधर पहले से होती युसागी के पास अपना एक प्लान था जहाँ पर उसके पास एक गेटअप होता है और वो इसको पहन के मसामुने के आगे आ जाएगी। जब वो इसी गेटअप से मसामुने के पास आ जाएगी जब भी वो अदकाकी के पास होगा अदकाकी देखेगी उसका बॉयफ्रेंड डर से भाग गया और इससे बेइज्जती कुछ भी नहीं हो सकता। युसागी भी अपने प्लान से बहुत हैप्पी थी। खैर इसके बाद उनका टाइम आ चुका था। युसागी अपने मास्क को पहन लेती है और उसका टाइम स्टार्ट हो चुका था। वैसे युसागी ने स्क्रीम वाला मास्क पहना है और इसके बारे में अगर तुम जानते हो और अगर इसके बारे में तुम लोग जानते हो तो यह तुम लोग एक हॉरर फैन हो यानी ये एक हॉरर फिल्म सीरीज है जो कि मैंने देखा और ये बहुत अच्छा है। इसके बाद वो जाने वाली होती है लेकिन इसके बाद वो ऊपर देखती है जहाँ पर उसके आगे आ गई थी और बंदी जहाँ पर उसके मुंह में जेसन का मास्क होता है साथ ही उसके साथ सेंट चौबी था। और अगर जेसन के बारे में नहीं जानते हो तो ये भी एक हॉरर में ही आता है और इसके ऊपर भी एक सीरीज है और इसको भी एक हॉरर लेजेंडरी कैरेक्टर बोला जाता है यानी इसका भी एक बहुत अच्छा फैन बेस है। इसका भी एक अलग फैन बेस है जो कि ये भी मुझे बहुत पसंद। अगर तुम्हारा एज 18 से ऊपर है तो तुम लोग ये मूवी देख सकते हो। ऐसा फैन हो तो तुम्हारे लिए ये मूवी बहुत अच्छा होने वाला है। खैर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एपिसोड में। युसागी इसको देखकर बहुत डर गई थी और इसके बाद वो इसको देखकर इधर से खड़ी होकर भागने लग गई थी। उसके पीछे जेसन भाग के आ रहा था साथ ही उसके चेन शो ऑन हो चुका था यानी वो अब काटने वाली है। और इसकी कहानी युसागी बहुत डर जाती है, वो ऐसे आगे भाग रही थी। कहा जाता है आगे अदकाकी होती है जहाँ पर वो अपने टॉर्च को ऑन कर रही थी, ये ऑन नहीं हो रहा था और इसकी कहानी वो इसके ऊपर ऐसे हाथ मार रही होती है और इसके बाद ये ऑन हो जाता है। इसी टाइम युसागी इधर आ जाती है जहाँ पर अदकाकी अपने मुंह में टॉर्च मारती है और इसकी कहानी वो भूत से कम नहीं लग रही थी। युसागी इसको भी देखकर डर जाती है और इसकी कहानी वो ऐसे आगे जा रही थी। युसागी दौड़ के आ जाते मसामुने के पास और वो मसामुने के पीछे जेसन था और इसको देखकर युसागी फिर से डर जाती है, वो चिल्ला देती है। मसामुने जान गया था ये युसागी है। इसके बाद युसागी बाहर आ जाती है, वो अपना मास्क फेंक देती है, कहती है ये एक ड्रीम है और मैं इसको नहीं मानती और वो ऐसे आगे जा रही थी जहाँ पर वो आगे जाके फूची को देखती है। फूची अपने टाइम के लिए वेट कर रही होती है जहाँ पर उसके मुंह से खून बाहर आ रहा था। इसको देखकर युसागी और भी ज्यादा डर जाती है, वो कहती है कि सब तरफ डीमन आ गए हैं, सारे मुझे मारना चाहते हैं, वो सीरियल किलर और इसके बाद ये सब, अब मैं कहाँ भागूंगी। और इसके बाद वो ऐसे आगे भाग रही थी जहाँ पर वो आगे नहीं देखती। फिर इसके बाद वो आगे एक खंभे से टकरा कर गिर जाती है। उनका गेम का टाइम स्टॉप हो चुका था। सारे लड़के आ जाते हैं एक सेफ जगह में। सामने युसागी को उठाकर आ रहा था तो इसलिए उसको देरी होता है यानी वो सबसे आखिर में था। युसागी अपना आंखें खोलती है जहाँ पर वो कहती है तुम मुझे ऐसे क्यों उठाकर ले जा रहे हो। सामने कहता है क्योंकि तुम गिरी हुई थी यानी तुम बेहोश थी और इसके कारण मुझे ऐसा करना पड़ा। और इसके बाद मसामुने अपना बात कह देता है यानी यही उसका प्लान था। युसिनो सबको डराने वाली थी और इसके बाद मसामुने हीरो होने वाला था लेकिन तुमने भी अपना चाल चल दिया। युसागी इसके लिए सॉरी कहती है और इसके बाद वो दोनों ऐसे बातें करते हुए आ रही थी जहाँ पर युसागी जान लेती है मसामुने एक अच्छा बंदा है। तो वो उसके बारे में सोच रही थी ऐसा वो बंदा नहीं है, वो दम करने नहीं वाला लेकिन बॉयफ्रेंड तो दम करते ही है, ये भी युसागी कह रही थी।
इसके बाद वो लोग आ जाते हैं बाकी सब दोस्तों के पास, जहाँ पर अदकाकी कहती है, मसामुने आज तुम अगर ये काम नहीं करते तो मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ने वाली थी, लेकिन जो भी हो तुमने बहुत अच्छा काम किया, यानी युसागी का बहुत हेल्प किया और उसके कारण मैं कह सकती हूँ थैंक यू। मसामुने इससे हैप्पी होता है और इसके बाद वाले दिन वो लोग चले जाते हैं अपने घर में। इन लोगों ने बहुत इंजॉय किया था, जहाँ पर सिप में मसामुने सोच रहा होता है ना जाने क्या होने वाला है। और उसके बाद इधर योशिनो आ जाती है, वो कहती है तुमने जो किया था वो काम आ चुका है, यानी अदकागी को इससे थोड़ा अच्छा लगा है और वो तुम्हारी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हुई है, लेकिन एक बात तो कह सकते हो ये इतना भी काम नहीं आने वाला, लेकिन जो भी हो तुमने काम किया और इसकी कहानी मैं अब उसको नहीं बताने वाली। मसामुने इससे हैप्पी होता है और उसके बाद योशिनो फिर से कहती है लेकिन इसके बाद मैं तुम्हें हेल्प ही नहीं करने वाली। मसामुने कहता है मास्टर आप ये क्यों कह रही हो, और उसके साथ ही एपिसोड का एंड हो जाता है। तो आगे मसामुने क्या करने वाला है अगर जाना चाहते हो तो यह एपिसोड 8 कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा। और अगर एपिसोड को देखकर अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना। या मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में।